मिलती है कुलदीप जी? बड़ा सवाल ये है ना, कोर्ट से तो राहत मिल जानी चाहिए। चित्रा जी, जो ईडी का मामला मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ईडी इंट्रोगेशन के नाम पे 8-8 महीने काट देती है, एक एक साल काट देती है, कोर्ट क्या करेगा? दूसरी बात ये, आज मोदी जी को डर किस बात का? ईडी का क्या कनेक्शन रेट इन्होंने बताया? देखिए पीछे बोले ना, क्या कनेक्शन रेट 96% कहां से पढ़ के आते हो? न्यूज़पेपर में कहां से पढ़ते हो? दिखा दीजिए कहां से आपने बताया, आपने कहां से बताया, दिखा दीजिए। ऐसे पढ़ के आ जाते हैं ये, आप वर्षा विनुष्टि मत पाइएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया मार्च 16, 2023 से कोट कर रहा हूं। छोड़िए, अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो बता दो, अभी मुकर जाओगे, बता आप बता दीजिए कहां से आप बात रखेंगे करके कुलदीप जी। लेकिन जो आपत्तिजनक बयानों का जिक्र किया, आप टीवी स्क्रीन पर पढ़िए, हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ क्यों है, एक बार जल्दी से वो ग्राफिक्स दिखाइए। आप ये कह रहे हैं कि कहां इस तरह के आपत्तिजनक बयानों को दिया गया है किसी भी नेता की ओर से, आम आदमी पार्टी के। वहीं दूसरी तरफ हम दिखा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री को किस तरह से, देखिए ये प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ क्यों है, खुद मुख्यमंत्री का ये बयान है, जरा सोचिए। उसके आगे वो बोलते हैं मोदी कायर और मनोरोगी हैं। आपको बयान चाहिए थे ना कि किसने बोला आप इनके ऊपर सवाल खड़े? उन्होंने कहा मोदी जी, मैं जवाब दे, देखिए दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी मैं भी ये कह रहा हूँ कि इतने डरे हुए क्यों हैं? एक इतनी बड़ी पार्टी दुनिया की, एक छोटी सी पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, भाषा है मनोरोगी है, ये कौन सी भाषा है? बिल्कुल कायर है, मनोरोगी है, ये कौन सी भाषा है? चित्रा जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, वो पूरे दिन ये सोचते हैं, 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री जी, और केवल ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, इनको कैसे सीबीआई लगाया जाए, कैसे ईडी लगाया जाए, सपने में उनके अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। थोड़ा सा तथ्यों पर आते हैं। 2014 में मैं वो आंकड़े अगर हो तो हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, मैं जरा आंकड़ों पर बात करती हूं, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में, चूंकि 2024 नजदीक है, क्या अरविंद केजरीवाल अगुवा बनना चाहते हैं? विपक्षी दलों के इस सवाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़ा है, 14 के चुनाव में 432 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, 4 सीटें जीती, चारों ही सीटें पंजाब की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी में करारी हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा। चले ठीक है, आप उस समय नए नए आए थे तो कोई बात नहीं, 2012-13 की बात थी, कोई बात नहीं, 14 में आपका परफॉर्मेंस खराब रहा। 2019 का आंकड़ा भी मैं इस वक्त दिखा रही हूं, 2019 में देखिए 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, सिर्फ एक सीट ही जीत सकी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आपका सूपड़ा साफ हो गया। तो कुलदीप कुमार जी, 2024 के लिए वो आपको क्यों खत्म करना चाहेंगे? आप कहां चुनौती बन रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने? चित्रा जी फिर वही तो मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए क्यों हैं? केवल दिल्ली की हार, वो 2015 में नहीं जीत पाए दिल्ली के लोगों का दिल, वो 2020 में नहीं जीत पाए, वो एमसीडी में नहीं जीत पाए, वो पंजाब में नहीं जीत पाए। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब जीती है, प्रधानमंत्री जी परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उन्हें बस ये चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी जेल में डालें, इस पार्टी को खत्म करें। अरे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों की पार्टी है, जनता के स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पर काम करने वाली पार्टी है। हम लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है कि हमने कहा 15 लाख देंगे और दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार की बात करिए आज तक किसी को नहीं मिले। ये केवल जुमलेबाजों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और देश के सामने का चेहरा हरिशंकर गुप्ता जी सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी। हरिशंकर गुप्ता जी, क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल अब जो अगुवाई है कांग्रेस पार्टी के वो छीन लेंगे अपने इस एक्शन के साथ? कांग्रेस के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आम आदमी पार्टी खड़ी करती है, जिन राज्यों में जाती है आपके लिए सुपड़ा साफ कर देती है, दिल्ली पंजाब उदाहरण है, वहीं अब अगुवाई में भी ज्यादा लीड ले रही है हरिशंकर गुप्ता जी। चित्रा जी मुझे तो हैरानी इस बात की है कि शहजाद पूनावाला और आपके कुलदीप कुमार आपस में लड़ क्यों रहे हैं? ये तो भाई भाई होने चाहिए। आप पार्टी दिल्ली के अंदर अगर कोई लेके आया तो वो बीजेपी लेकर आई ना, रामलीला मैदान के आंदोलन से लेके आज तक जो है, अगर आप अंदरूनी इतिहास देखेंगे तो जहां पर भी कांग्रेस मुखर है, मजबूत है, वहां पर आप पार्टी पहुंचती है। यूपी में तो आप पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लड़ क्यों रहे हैं आपस? यूपी में लड़ी थी चुनाव हरिशंकर गुप्ता जी, और आम आदमी पार्टी जब सीटों की संख्या में कम थी तो पहली बार उसके अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक देकर उसकी दिल्ली में सरकार बनाई थी। विधानसभा चुनाव में क्या लड़ी थी? हाँ, विधानसभा चुनाव में कहाँ लड़ी थी आप पार्टी? उत्तर प्रदेश इन बातों का कोई मतलब नहीं है, पोस्टर लगाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। मैं इनको बता दूं कि अगर ये प्रवक्ता की कुर्सी से उठकर जमीन पर भी जाएं, थोड़ा सा घूम लें,
आज दिल्ली के चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं, चाहे वो किसी चीज का भी। अगर आप इस ढंग से बात करते हैं कि तकनीकी रूप से पोस्टर लगाना बैन है, बंगाल एक्ट है, ये एक्ट है, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको नहीं लगाना चाहिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करे, तो पुलिस तो कहां एफआईआर दर्ज करती है, कहीं नहीं दर्ज करती। और बहुत सारे पोस्टरों पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम होता है, ठीक है सर, बहुत सारे पोस्टर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं होता है। मेरे पास कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है, जरा मैं इसको पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अब सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए जो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हैं, कृपया ऐसे पोस्टर न लगाएं, जनहित में जारी। तो आप क्या बताना चाहते हैं, ऐसे ऐसे पोस्टर नहीं लगाएं? हरशंकर जी, आप कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है या इसमें तंज है हरशंकर गुप्ता जी, क्योंकि ट्वीट को लेकर भी बड़े गलत फहमियां हो जाती हैं कई बार। देखिए, ट्वीट का मुझे जानकारी नहीं है किसने ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपको पहले का है कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से, मैं एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, विधायकों ने, तमाम लोगों ने अपने पोस्टर लगा रखे हैं। आप देखिए तो सही जाके, यहाँ पर बैठ के डिबेट करने से क्या फायदा है? शहजाद पूनावाला ने जो ये कह देना है। और दूसरी बात ये है, अगर मोदी जी के बारे में ये कह दिया गया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी जी तो अगर 45 मिनट बोलते हैं, घंटा बोलते हैं, हर मिनट के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी कहते हैं जिसके ऊपर इतराज हो सकता है। कल संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर कहा, शिराज पूरे वाला ही सफाई देंगे उसकी।